हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीए क्लासेस। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सेक्शन 194C जो टीडीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 194C क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उसका रेट क्या है और कौन से पर्सन पे ये सेक्शन 194C जो है एप्लीकेबल होता है। जब बिजनेसमैन किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाता है और उसको जब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करता है तो उस पेमेंट पे 194C सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 194C कहता है कि किसी भी किस्म की कोई कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट एडवर्टीजमेंट के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कोई जॉब वर्क के साथ रिलेटेड हो, वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट चाहे कोई गुड्स की कैरेज के साथ रिलेटेड हो, वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कोई कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ रिलेटेड हो, किसी भी किस्म की कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस से रिलेटेड किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की जब वो पेमेंट करता है उस पेमेंट पे सेक्शन 194C एप्लीकेबल होता है। इस सेक्शन की लिमिट क्या है? इस सेक्शन की लिमिट है 1 लाख रुपीस। इसका मतलब है अगर पूरे साल में किसी कॉन्ट्रैक्टर का बिल जो है वो 1 लाख से क्रॉस करता है तो टीडीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज टीडीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगी, टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर 1 लाख से ज्यादा बिल नहीं है तो। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये ध्यान देने वाली है कि जो कॉन्ट्रैक्टर का एक सिंगल बिल हो वो 30,000 से ज्यादा ना हो। मतलब वैसे पूरे साल की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपीज है पर एनम है, लेकिन सिंगल बिल जो है वो 30,000 से ज्यादा ना हो। मान लो कि किसी कॉन्ट्रैक्टर ने हमें जो बिल दिया वो टोटल बिल 80,000 का उसने देना है, तो वो 20-25,000 के 3 बिल और एक 5,000 का बिल दे दे तो उसपे टीडीएस की डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन वो अगर सिंगल बिल ही 80,000 का दे देगा तो हमने 1 लाख रुपीज की वेट नहीं करनी है, उसका सिंगल बिल 30,000 से ज्यादा हो गया हमने टीडीएस की डिडक्शन कर लेनी है। तो कहने का मतलब है वैसे लिमिट जो 194C सेक्शन की है वो 1 लाख रुपीज है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि सिंगल बिल जो है वो 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रेट की कि टीडीएस काटना कितना है। अगर तो कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा काम करके दे रहा है, जिसको हमने पेमेंट करनी है, अगर वो इंडिविजुअल है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो टीडीएस रेट है 1% टीडीएस हमने काटना है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल या एचएफ नहीं है, कुछ और है, मतलब वो फर्म है, वो कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, तो उस केस में हमने उसका टीडीएस काटना है 2%। इंडिविजुअल एचएफ के केस में टीडीएस रेट है 1% और अगर जिसको हमने पेमेंट करनी है अगर वो फर्म है कंपनी है तो हमने उसका टीडीएस काटना है 2%। जिसको हमने पेमेंट करनी है, जो हमारा काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए जरूरी है वो हमें अपना पैन नंबर डिपॉजिट करवाए। अगर वो अपना पैन नंबर की कॉपी हमें नहीं देता है तो हमने टीडीएस सीधा ही 20% डिडक्ट करना है। इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर को पैन नंबर देना बहुत ज्यादा कंपलसरी है बिजनेसमैन को, अगर वो अपना पैन नंबर नहीं देता है तो उसका सीधा ही 20% टीडीएस काटा जाएगा। इस सेक्शन की एक एग्जम्पशन ये है, अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हायरिंग प्लाइंग और लीजिंग गुड्स कैरिजेस का काम कर रहा है, बल्कि उसके पास गुड्स कैरिजेस है, वो गुड्स को इधर उधर लेके जाने का काम करता है, तो अगर उसके पास गुड्स कैरिजेस 10 से कम है, पूरे साल में उसके पास गुड्स कैरिजेस 10 से कम है, वो हमें एक डेक्लरेशन दे देगा कि मेरे गुड्स कैरिजेस 10 से कम है तो आप मेरा टीडीएस मत काटो। तो इस टीडीएस के इस सेक्शन में यह एग्जम्पशन है कि हम उसका टीडीएस नहीं काटेंगे अगर वो प्लाइंग हायरिंग ऑफ गुड्स कैरिजेस का काम करता है और उसके गुड्स कैरिजेस जो है वो 10 से कम है। तो हमने यहाँ पे बात की सेक्शन 194C की, जो अकाउंट्स का, इनकम टैक्स का, टीडीएस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स का काम या टैक्स का काम कर रहे हो तो सेक्शन 194C आएगा ही आएगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन जो है अपने छोटे मोटे काम या बड़े काम जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से ही आउटसोर्स करके करवाता है और उसकी पेमेंट जो है
वो जब हमने करनी है, जब उसका बिल आना है, तो उस पे ये सेक्शन 184C की प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगी। अगर आप पूरी तरह से प्रोफेशनल अकाउंटेंसी या टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारी फेस टू फेस क्लासेस और लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आप उसमें एनरोल करके अपना करियर इस फील्ड में बिल्ड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।